आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2019 नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए इसके अंदर आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट, एचआर पर्सनल ऑफिसर, आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट, लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज इसके अंदर एसओ के जो आपका नोटिफिकेशन आएगा आईबीपीएस का, तो उसके अंदर कवरअप होगी। तो और इसके अंदर क्या कुछ रहता है, देखिए इसके एग्जामिनेशन की डेट देखिए, यहाँ पे प्रोविजनल ऑफिसर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल और ये आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की डेट है। तो ये आईबीपीएस का ऑफिशियली कैलेंडर है। प्रीलिम्स की डेट की बात करें तो 28 और 29 दिसंबर 2019 दो डेट्स यहाँ पे दी गई है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो 25 जनवरी 2020 को मेंस एग्जामिनेशन रहेगा आपका आईबीपीएस एसओ का। तो ये ऑफिशियली कैलेंडर है आईबीपीएस का, तो यहाँ पे डेट्स आप चेक कर सकते हो। लगभग अगर बात की जाए तो नवंबर की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो नवंबर और दिसंबर लगभग आपके पास 50 to 55 डेज सेस बचे हुए हैं आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए आपकी लगभग बात करें तो लगभग 80 से 90 दिन आपके पास है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 50 से 55 दिन है। चलिए आगे आगे अपने इसमें बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी वो कितनी आई थी। लगभग कुछ उसी के अराउंड इस बार भी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। नोटिफिकेशन जो है आईबीपीएस एसओ का वो बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा, यानी 5 to 7 डेज के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो इसके अंदर वैकेंसीज देखिए, लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज थी एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की 853 थी, मार्केटिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी 302 थी, आईटी ऑफिसर की 219 और लॉ ऑफिसर की 75 वैकेंसी, एचआर पर्सनल स्केल फर्स्ट ऑफिसर की 81 वैकेंसी, राजभाषा अधिकारी की 69 वैकेंसी थी। तो ये लगभग सिनेरियो रहता है वैकेंसीज का इसी तरह से हर साल। आगे देखिए कि सिलेबस की बात करते हैं तो राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट का जो प्रीलिम्स का सिलेबस रहता है उसके अंदर क्या रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहते हैं रीजनिंग के, टोटल मार्क्स 50 और जो आपको टाइम मिलता है वो 40 मिनट का इंडिविजुअली टाइम मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स 40 मिनट का टाइम मिलता है, और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये बात ध्यान रखें, स्पेशल रेफरेंस दिया गया बैंकिंग इंडस्ट्री को, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम, यानी 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स और 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है इसके अंदर। अगर बात की जाए वहीं पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल पर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, इन सभी के प्रीलिम्स के अंदर आपका रहता है इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। यहाँ पे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के 40 मिनट का टाइम रहता है, इंग्लिश के सेम रहते हैं 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 40 मिनट, और मैथ के आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के रहते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स, और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 150, टाइम रहता है आपके पास 120 मिनट और टोटल मार्क्स रहते हैं 125। चलिए आगे मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है उसके क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, मैक्सिमम मार्क्स 60, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होते हैं और टाइम मिलता है आपको 45 मिनट। सिर्फ एक एग्जामिनेशन होता है प्रोफेशनल नॉलेज का, ठीक है। अगर बात की जाए पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी की तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव दो एग्जामिनेशन होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके अंदर आपके 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होते हैं और आपके 2 डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इन टोटल मिला के आपके 60 मार्क्स बनते हैं, और इन दोनों के लिए इंडिविजुअली 30-30 मिनट आपको टाइम मिलता है। तो ये राजभाषा अधिकारी का सिलेबस रहता है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके लिए आपके जो क्वालिफिकेशन है एज है, यानी लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहता है इसके अंदर। तो आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए मिनिमम एज जो है वो 20 साल है, मैक्सिमम ईयर 30 साल है, और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है वो इसके अंदर 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेड, ये आपकी डिग्री है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपकी डिग्री है कंप्यूटर एमसीए के अंदर तो वो भी आपकी चलेगी, और बाकी के सारे की हैविंग और बी लेवल एग्जाम आपके पास है तो भी, यानी ये लगभग इतना पूरा का पूरा जो इन्होंने देर का ये रहता है आपका आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के, तो यहाँ पे भी एज जो है सेम रहती है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 13 ईयर, और यहाँ पे 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस, यानी ये कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये आपका 4 साल का एक ग्रेजुएशन डिग्री इन सभी के अंदर होगी। तो कोई भी इनमें से एक हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। राजभाषा अधिकारी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज द ग्रेजुएशन ऑफ डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश और हिंदी एज ए सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के पास हिंदी इंग्लिश में अगर आपने
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए वगैरह हिंदी इंग्लिश में, तो भी आप राजस्व अधिकारी के लिए एलिजिबल हो। लो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की अगर बात की जाए तो ए बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एडवोकेट विद बार काउंसिल, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए लॉ की और आप इनरोल होना चाहिए एज एडवोकेट विद बार काउंसिल, तो ये इसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे 20 से 30 ईयर के बीच में। एचआर प्रोफेशनल अगर की बात की जाए तो यहाँ पर एज लगभग सभी के अंदर सेम है, 20 से 30 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 13 ईयर। और एचआर प्रोफेशनल के ग्रेजुएट एंड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, फुल टाइम डिप्लोमा एंड पर्सनल मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशन एचआरडी, सोशल वर्कर, लेबर लॉ, ठीक है। और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट की अगर बात की जाए, ग्रेजुएशन विद फुल टाइम एमएस एमबीए पीजीडीबीएम विद स्पेशल डिवीजन मार्केटिंग के अंदर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न का सिलेबस रहता है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज है, अलग अलग पोस्ट के लिए, तो ये सारा आपके डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहता है उसकी अपनी बात करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात की जाए तो लगभग जो बैंक एग्जामिनेशन IBPS RRB वगैरह के अंदर फॉलो था, सेम वही इस पर सिलेबस रहता है। यहाँ पे मैंने डिटेल सिलेबस आपको दे रखा है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर इंग्लिश की बात करें तो सेम वही सिलेबस रहता है, कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड का सेम वही सिलेबस रहता है। अगर बात की जाए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स आता है, बैंकिंग आती है, जीके आती है, करंट प्लेस और बुक हेडक्वार्टर, यानी लगभग जो भी IBPS भी हो, IBPS कलर का RRB भी हो, RRB कलर का SBP हो, जिनके अंदर जो भी मैथ रीजनिंग का प्रीलिम्स का सिलेबस रहता है वो सेम का सेम सिलेबस रहता है, और जीके का भी वही सेम सिलेबस रहता है, ठीक है। तो अपने अगर आगे बात की जाए यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की, तो देखिए मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस अलग रहता है इनका। अगर आप बात करें IT ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, तो यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर का सिलेबस रहता है आपके IT ऑफिसर के लिए। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, सीड साइंस, एग्रोनॉमी एंड रिलेशंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यानी एग्रीकल्चर से समझिए जितने भी एनिमल हस्बेंड्रीज, एडवाइजरी, इकोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आपका एनिमल से जितना भी एग्रीकल्चर से संबंधित होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इनपुट किए जाते हैं। और अगर बात करते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग के बारे में जितने भी PR, सेल्स, रिटेलर, बिजनेस एटिकेट मार्केटिंग, तो ये सारे के सारे जितने भी है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस मार्केटिंग। इसके अलावा अगर लॉ ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ पे बैंकिंग जो रेगुलेशन होते हैं, सर्विस एक्ट होता है, बैंकिंग बुक एविडेंस होता है, DRT एक्ट, बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम जो होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर HR पर्सनल की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी एनालिसिस, ट्रांसलेशन एनालिसिस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, ये सारा आपका मेंस का सिलेबस रहता है अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग। इसके बाद अगर लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर बात की जाए, लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अलग अलग मैंने कट ऑफ मेंशन कर दी, तो आप यहाँ से कट ऑफ चेकआउट कर सकते हैं अपने अपने कैटेगरीज की, अपने अपने पोस्ट की, तो ये कट ऑफ आप देख लेना। इसके अलावा कट ऑफ का इंडिविजुअल वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें डीपली बताया भी है अभी कट ऑफ किस हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए चैनल पे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, बहुत जल्द का मतलब नेक्स्ट 5 या 7 डेज के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसका जो प्रीलिम्स है वो 28 तारीख को है, 28 दिसंबर को, तो लगभग आपके पास 15 डेज बचे हुए हैं, तो लगभग 14 डेज तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 14 डेज आपके पास शेष रहेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन प्री की डेट और मेंस की डेट दोनों पहले से डिक्लेयर्ड है, तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। वैकेंसीज मैंने बता दिया, लास्ट ईयर जो वैकेंसीज है लगभग उसी के सेम वैकेंसीज रहेगी, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है वैकेंसीज। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।